धर्म के साथ अपने जीवन के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जानबूझकर अधर्म करता है वो न सिर्फ धर्म के साथ खिलवाड़ करता है अपितु अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। अभी हमको एक व्यक्ति मिले, बोले महाराज यहीं के पास में ही उंगली मार का गांव है, हमें भी उंगली मार समझ के क्षमा कर दीजिएगा, पाप क्षमा कर दीजिएगा। तो मैंने एक बात मन ही मन सोची कि उंगली मारने जब तक पाप किए तब तक किए, लेकिन जब सुधरने गया तो उसके बाद कोई पाप नहीं किए। जब उसे धर्म के विषय में महात्मा बुद्ध से ज्ञान हुआ तो फिर उसने दोबारा ये पाप और ये गुनाह नहीं किया, तब से वो साधु ही हो गया। हम लोग तो टाइम टाइम पे पुण्य करते रहते हैं, टाइम टाइम पे पाप फिर से करते रहते हैं। तो हमने जीवन में धर्म को भी एक मजाक बना दिया है, ये गलत। इंसान चाहे जितना भी गलत हो, धर्म पर यकीन बनाए रखना चाहिए हम सबको।